हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिवें कि तुसी जानते हो आपां अपने चैनल ते साइंस दी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स दे लई। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो, सो दैट तुहानूं डेली दी अपडेट मिलती रहे। हाँ जी, अज आपां कैमिस्ट्री की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है मास्टर कैडर एग्जाम दे लई उसनूं कॉन्टीन्यू करांगे, सो दैट आपां सिलेबस नूं कंप्लीट कर सकीए। हाँ जी, आज आपने जो सीरीज स्टार्ट की सी ऑरगैनिक कैमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई सी, आप चैप्टर स्टार्ट किया हुआ सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज ही अपना थर्ड पार्ट होएगा ऑरगैनिक कैमिस्ट्री का। आई होप तुसी फर्स्ट टू लैक्चर्स कंप्लीट कर ले। अगर तुसी फर्स्ट टू लैक्चर्स कंप्लीट नहीं किए पहला उन्होंने कंप्लीट कर लो, सो दैट तुसी बेसिक्स कंप्लीट हो जाए तो तुहाडा थर्ड चैप्टर तुहानू ईजली की है समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले अगर आप गल करांगे अज का जो टॉपिक है वह है आइसोमेरिजम्स। अज डिस्कस करांगे आइसोमेरिजम्स नू। देखो आइसोमेरिजम्स की होंगे है, आइसोमेरिजम्स का मतलब है कोई भी कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड जिन्हां दे अगर आप गल करिए सेम की होवे मोलीक्यूलर फॉर्मूला, बट जो दिया फिजिकल ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वह की होन अलग अलग होन, उसनों आप बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस फिनोमिना नू की बोलते हैं आइसोमेरिज्म्स बोलते हैं। जिदा कि आपां नूं पता है जो ऑरगैनिक कंपाउंड है वह की करते हैं कोवलेंट नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे? कोवलेंट नेचर के, क्योंकि इस दे विच मेनली हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे है। मीनस अगर आप गल करिए हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होंगे। हुण कार्बन किस नेचर का? कोवलेंट नेचर का। तो जो ऑरगैनिक कंपाउंड्स है वह किस नेचर के होंगे? कोवलेंट नेचर के होंगे। क्लीयर? जिस दे नाल की है वह की करते हैं मीनस बोंड्स नू की कर लेंगे, मोलीक्यूलर बोंड्स नू ब्रेक भी कर लेंगे एंड की कर लेंगे फॉरमेशन भी हो जाती है। किस दी? बोंड्स की ब्रेक भी कर लेना, फॉरमेशन भी कर लेना। ये कौन करते हैं? जो अपने कोल ऑरगैनिक दे कंपाउंड्स हैं। क्लीयर? इन्हां दे बेसिस ते ही आपां इन्हां दीआं टाइप्स डिस्कस करांगे। आइसोमेरिज्म दीआं मेनली की हैं दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सैकेंड की है अपने कोल स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। दो टाइप्स हैं। सब तो पहला आपां गल करांगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स की गल करांगे। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स होंदे की है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कंपाउंड, वो कंपाउंड जिन्हां दी अगर आप गल करिए मोलीक्यूलर फॉर्मूला की रवे अपने कोल सेम रवे, मीनस कार्बन की जो अमाउंट है वह की रवे अपने कोल सेम रवे। बट अगर मैं गल करा इन्हां दी स्ट्रक्चर दी, नेम की है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो जो इन्हां दी स्ट्रक्चर्स होणगियां वह की होणगियां? डिफरेंट डिफरेंट होणगियां। मीनस दो कंपाउंड्स की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन लेना, बट जो उन्हां दा मोलीक्यूलर फॉर्मूला होएगा वह की होएगा? सेम होएगा। इसका मतलब कहना की चाहते अपने को अरेंजमेंट एटम्स की होएगी अलग अलग वे नाल होएगी। क्लीयर? सब तो पहले आप गल करांगे एग्जाम्पल्स भी लैने तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम्स या टाइप्स ने उन्होंने भी की करते हैं डिस्कस करते हैं। जिमें अपने को फर्स्ट टाइप की आ जाती है चेन आइसोमेरिजम्स। की आ जाती है? चेन आइसोमेरिज्म। एक इस दी टाइप है, स्ट्रक्चरल दी ही अगे टाइप है, तो ध्यान नाल समझना। सब तो पहला मैं गल करूँगी कंपाउंड, कंपाउंड जो कि अगर आप गल करिए एक चेन बना लैन। जिमें हुण मैं एग्जाम्पल लै लूँ, देखो एग्जाम्पल नाल क्लीयर होगा। आपां फोर या मोर दैन फोर अगर आपां की लै लीए एलकेन लै लीए, मोर दैन फोर एलकेन लै लीए। क्लीयर? तो उन्हां दी एग्जाम्पल की गल करते हैं। जिमें मैंने की लै लिया ब्यूटेन लै लिया। ब्यूटेन का फॉर्मूला की होंगे? सी फोर एच टेन मीनस फोर कार्बन, हाइड्रोजन किन्ने हो गए? टेन। तो ब्यूटेन की अगर मैं एग्जाम्पल सिंपल ब्यूटेन बनाइए किस तरह बनेगा? सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, अपने कोल की बन गया? ब्यूटेन बन गया। अगर मैं गल करा इसनों मैं होर किस तरह ना लिख सकती हाँ, इनू ब्रांच च लिखा जा सकता है किस तरह ना? सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री नाल मैंने ब्रांच च चेन लगा के सी एच थ्री। किसका फॉर्मूला है अपने कोल? टू मिथाइल, टू मिथाइल मीनस सैकेंड नंबर पर की है? वन टू। सैकेंड नंबर पर मिथाइल अपने को प्रोपेन, थ्री कार्बन है तो प्रोपेन। इस तरह नाल की आप नेम कर सकते हैं। देखो हुण इन्हां दे विच की सिमिलैरिटी है? फोर कार्बन अपने को फर्स्ट दे विच भी प्रेजेंट है
एंड हाइड्रोजन किन्ने अपने कोल 10 तुसी काउंट कर सकते हो। सैकेंड जो अपने 2-methyl isopropane लिता है, इस दे विच भी अपने कोल 4 कार्बन है, हाइड्रोजन किन्ने अपने कोल 10। क्लियर, इसनों आप की कह सकते हैं चेन आइसोमेरिजम्स कह सकते हैं। सिमिलरली आप 5 एल्केन ले सकते हैं, मीनस उन्हों दियाँ भी डिफरेंट डिफरेंट की बन जाएंगे स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। इस तो अलावा आप एल्कीन्स भी ले सकते हैं। देखो हुण अगर मैं एल्कीन की गल करा, मान लो मैंने ले लिया ब्यूट 1-ईन, किस तरह नाल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। इस तरह नाल एक इसकी एग्जाम्पल होगी अपने को ब्यूट 1-ईन की। फस्ट से अपने की लगाता डबल बॉन्ड, ईन का मतलब की होंगे डबल बॉन्ड। क्लियर, हुण मैं होर की बना सकती हूँ। देखो हुने आप बनाया सी मिथाइल लगा के, तो 2-methyl prop 1-ईन बन सकते। किस तरह नाल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, जो सैकेंड कार्बन है कार्बन नाल की लग जाएगा मिथाइल ग्रुप लग गया CH3। तो इस दे विच भी कार्बन की है सेम अमाउंट दे विच है फर्स्ट नालों, बस की एडिशन होगी अपने को डबल बॉन्ड दी की होगी एडिशन होगी। तो इस वे दे नाल इसनों आपा की बोलते हैं चेन आइसोमेरिजम्स बोलते हैं एल्कीन दे विच। सिमिलरली आप एल्काइन दे विच कर सकते हैं। क्लीयर होया। नैक्सट आप गल करते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम की सैकेंड टाइप है। सैकेंड है अपने को पोजिशन आइसोमेरिजम्स। सैकेंड की अपने को पोजिशन आइसोमेरिजम। देखो पोजिशन आइसोमेरिजम का की मतलब है, जो कि है पोजिशन अलग अलग होवे, मीनस जो अपने को मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड केड़े-केड़े होंगे अपने को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एक ही हो गए मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए। इन्हों की जो पोजिशन की है अलग अलग जगह पर लगेगी। क्लियर, मोलीक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, मोलीक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम है, बट जो पोजिशन है बॉन्ड्स दी ओ की होवे डिफरेंट डिफरेंट, पोजिशन की होवे डिफरेंट डिफरेंट होवे किन्ना दी बॉन्ड दी, तो उसनों की बोलते हैं पोजिशन आइसोमेरिजम्स बोलते हैं। जिदा अगर मैं एग्जाम्पल की गल करा, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की बन गया अपने को, ब्यूट 1-ईन बन गया, फर्स्ट से मैंने डबल बॉन्ड लगाता। सिमिलरली हूँ मैं डबल बॉन्ड दी की करवा सकती हूँ, शिफ्टिंग करवा सकती हूँ, इतने लेके आ सकती हूँ, की बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यह फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी, सैकेंड होगी, तो यह दोनों की की है। देखो मोलीक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन अपने को किन्ने 8 है, तो अगर सॉरी हाँ जी हाइड्रोजन 8 है, तो इस तो की पता लग रहा है मोलीक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो अपने को डबल बॉन्ड है उसकी जो पोजिशन है वो की आ गई अपने को अलग अलग आ गई, डिफरेंट डिफरेंट आ गई। इसनों आप की बोलते हैं पोजिशन आइसोमेरिजम्स बोलते हैं। इस तो अलावा अगर मैं एग्जाम्पल की गल करा, देखो जिदा हुण आप लै लिए अगर ऑर्थो ते ज़ाइलीन CH3 CH3, सिमिलरली मेटा दे देखो पोजीशन की है मिथाइल ग्रुप दी चेंज हो रही है। सिमिलरली आप पैरा दे, इसका की मतलब है आप कर रहे हैं पोजीशन नू की कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, पोजीशन की हो रही है अपनी चेंज हो रही है। बट अगर आप गल करिए मोलीक्यूलर फॉर्मूला की है सेम, की मोलीक्यूलर फॉर्मूला C6H4 CH3 ट्वाइस, मतलब दो की अपने को मिथाइल ग्रुप लग रहा है, किस दे नाल जो अपने को C6H4 है, मीन ज़ाइलीन दे नाल अपने को की हो रहा है मिथाइल ग्रुप की हो रहा है अपनी पोजीशन नू की कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। क्लियर, इसनों भी की कहांगे आप पोजिशन आइसोमेरिजम्स कहांगे। नैक्सट अगर मैं टाइप की गल करा, थर्ड अपने को की है, देखो थर्ड वन है फंक्शनल आइसोमेरिजम, थर्ड वन फंक्शनल आइसोमेरिजम। देखो फंक्शनल आइसोमेरिजम नेम तो ही क्लियर है, जिस दे विच की है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की होन अटैच किते होन, उसनों आपा की बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिजम। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच किते होन उसनों आपा की बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिजम। एग्जाम्पल नाल समझते हैं ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। जिदा अगर मैं गल करा इथानोल, इथानोल ऑल का मैं की करवाया से जो तो अल्कोहलिक ग्रुप होएगा CH3
इथानोल च दो कार्बन आ जाएंगे, नाल की आ गया अपने कोल OH, इथानोल बन गया। नाल हुन अगर मैं की ले ला, मिथोक्सी ग्रुप ले ला, मिथोक्सी मिथेन। देखो इस दे विच कार्बन सेम है, दो कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड थ्री की है हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन मीन्स सिक्स हाइड्रोजन है अपने कोल, एक ऑक्सीजन का ग्रुप है एंड टू की है अपने कोल कार्बन। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट अगर आप देखिए जाइए तो फंक्शनल ग्रुप की लगे हुए हैं दोनों के विच डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए, फंक्शनल ग्रुप की अपने कोल डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं बट जो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। की मोलिकुलर फॉर्मूला अपने कोल C2H6O, ये अपने कोल की है मोलिकुलर फॉर्मूला जिस दिया जो स्ट्रक्चर्स है वो की गिवन है डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। सिमिलरली आप होर एग्जाम्पल ले लें, जिदा अगर मैं गल करा कीटोन ते एल्डिहाइड ग्रुप ले सकते हो, जिमें प्रोपेनोन CH3, प्रोपेनोन का मतलब थ्री कार्बन, ओन का मतलब कीटोन, ओन का मतलब कीटोन ग्रुप लगाता बन गया। तो अगर मैं नाल ले ला अपने कोल प्रोपेनल, प्रोपेनल दे विच की होंदा एल्डिहाइड ग्रुप CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो इसका मतलब क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, किन्ने है थ्री कार्बन है, हाइड्रोजन सिक्स है, नाल की लग रहा है ऑक्सीजन। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों दे विच सेम है बट जो स्ट्रक्चर्स है या फंक्शनल ग्रुप है वो की लगे हुए हैं, अलग अलग लगे हुए हैं। एक दे विच की लग्या होया, देखो कीटोन लग्या होया, सैकेंड दे विच अपने कोल की लग्या होया एल्डिहाइड ग्रुप लग्या होया। क्लियर? तो इसका मतलब की है जिस दे विच अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होन फैमिली मैंबर्स दे नाल तां उसनों आपां की बोल दिंदे आ, फंक्शनल आइसोमरिजम्स बोल दिंदे आ। आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुके है। तुहानूं हुण मैं एक क्वेश्चन दे रही हाँ तो तुसीं कमेंट बॉक्स से भी जरूर दस्सियो, तुसीं दस्सदे इस दे विच किहड़े वाला स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम लग्या। ठीक है जी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट तुहाडे कोल ए स्ट्रक्चर गिवन है, सैकेंड तुहाडे कोल इस दे नाल ही गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तुसीं इस दे विच दस्सदे किहड़ा अपने कोल आइसोमरिजम शो कर रहे हैं, किहड़ा स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम शो हो रहा है। क्लियर? नैक्सट आप चलते हैं, अपने कोल फोर्थ है मेटामरिजम। मेटामरिजम देखो मैटामेरिज्म की होंगे, इस दे विच की है मैटामर्स डिफरेंट होंगे, जिदा जिदा अल्काइल ग्रुप्स का नेचर है उदा उदा की है फंक्शनल ग्रुप के नाल की लगे होंगे मैटामर्स लगे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट की है मैटामर्स की है अटैचड होंगे कि अल्काइल ग्रुप्स का जो कि होंगे नेचर होंगे, अल्कलाइल ग्रुप्स के नेचर पर डिपेंड करता है जो भी अपने कोल की है पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की है प्रेजेंट है। ठीक है जी, सेम फैमिली नाल बिलोंग करते हैं। दरअसल एग्जाम्पल ले लें जिमें इथोक्सी इथेन की गल करिए, कि बनेगा इथोक्सी मीनस दो कार्बन ऑक्सीजन, इथोक्सी का मतलब की होंगे सेंटर ऑक्सीजन मीनस ईस्टर वाला, दैन की आ गया अपने कोल CH2 CH3, ये अपने कोल की बन गया इथोक्सी इथेन। क्लियर? नाल ही हुण अगर मैं ले ला मिथोक्सी प्रोपेन, इस दे नाल ही अगर आप कंपैरिजन करवाइए मिथोक्सी प्रोपेन, ये की बन गया अपने कोल, देखो मिथोक्सी प्रोपेन आ की है थ्री कार्बन मतलब प्रोपेन, ये अपने कोल की लग रहा है मिथोक्सी लग रहा है। सिमिलरली टू मिथोक्सी प्रोपेन ले लेंगे। क्लीयर है जी? तो इन्हों की जो फैमिली है वो की होगी, सेम फैमिली होगी। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, जो नेचर है अपने कोल अल्काइल ग्रुप्स का अराउंड फंक्शनल ग्रुप उस पर की करते डिपेंड, जिमें हुण इस दे विच की बन रहा सी इथेन, इस दे विच प्रोपेन, तो इस तरह नाल की है नेचर अल्काइल ग्रुप्स से डिपेंड करते हैं। ठीक है, नैक्सट आप गल करांगे टोटोमेरिज्म की। टोटोमेरिज्म की देखो टोटोमेरिज्म दे विच की होंदे है, ये तो सिंपल है, तुसी ध्यान दे विच रखना कीटोफॉर्म नू, कीटोफॉर्म नू किस दे विच चेंज करना एनोलिक फॉर्म दे विच, एनोलिक फॉर्म दे विच कन्वर्जन नू आपा की कह दिंदे आ टोटोमेरिज्म। इस दे विच जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ये की है ये की शो कर रहे अपने कोल डायनामिक नेचर दे, आ जो एरो लगाया मैं सेंटर दे विच ये की शो कर रहे डायनामिक नेचर दे, मीनस फिक्स नहीं रहनगे, डायनामिक का मतलब है जो चेंज होंदे रहन, कीटो तो इनोल बन गया, इनोल तो कीटो बन गया, तो इस तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी कहा जाता है, चीज़ तुसी ध्यान च रखना।
मीनस ये होंगे की है वन थ्री जो वन थ्री हाइड्रोजन है उसकी की हो जाती है माइग्रेशन हो जाती है रिप्लेस कर जाते हैं ठीक है जी किस दे नाल करते हैं जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन है वह की है जो कार्बन के प्रेजेंट है वो रिप्लेस किसनों कर देता है ऑक्सीजन एटम नू की कर देता है रिप्लेस कर देता अपने को जिदा अगर मैं एग्जाम्पल की गल करा देखो एग्जाम्पल देखते हैं इथनल ले लें आप सी एच थ्री सी एच डबल बोंड ओ होंगे इथनल बन गया एक किटो फॉर्म के है फस्ट कार्बन सैकेंड एंड थर्ड अगर पोजिशन की गल करिए अपने को हूँ इस अगर मैं गल करा ये अपने को आ गया किटो फॉर्म आ गई इसनों आपने इनोलिक फॉर्म बनाने की सीगा वन थ्री जो वन ते थ्री ते पोजिशन के हाइड्रोजन प्रेजेंट है उन्होंने ऑक्सीजन के नाल की करवा देना रिप्लेस करवा देना तो यह की बन जाएगा सी एच टू डबल बोंड तो की बन जाएगा अपने को सी उपर की बन जाएगा ओ एच बन जाएगा तो नाल अपने को आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा ये की बन गई अपने को इनोलिक फॉर्म बन गई ठीक है जी अपने को किटो फॉर्म किटो टो इनोलिक जो बनाने तो उसनों आप बोल दें किटो इनोल टोटोमेरिजम बोलते हैं आई होप थानू क्लीयर हो चुकी है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स थानू मिल जाएगी नैक्सट आप गल करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिजम्स की हाँ जी रिंग चेन आइसोमेरिजम की होंगी है रिंग चेन आइसोमेरिजम की अगर मैं गल करा तो इस दे विच की है बहुत सारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम्स होंगे जदों उन्होंने रिंग फॉर्म दे विच की कर दिता जाए कन्वर्ट कर दिता जाए मीनस जो मोलीक्यूलर फॉर्मूला है वो तो की रहे सेम बट वो कन्वर्जन की कर दी जाए चेंज कन्वर्ट कर दिता जाए रिंग चेन दे विच ता उसनू आपा की कह दें रिंग चेन आइसोमेरिजम जिदा देखो प्रोपीन की सी फॉर्मूला अपने को सी एच थ्री सी एच डबल बोंड सी एच टू प्रोपीन बन गया बट अगर इनू मैं साइक्लो दे विच लिखा तो ये साइकलिक रिंग भी बन सकती है जिदा हुण साइक्लो प्रोपेन लिखना होवे मैं सी एच थ्री जस्ट अ सेकेंड अगर मैं सिंपल प्रोपेन लिखा की बनेगा सी एच टू सी एच टू सी एच टू इस तो मैं चेन दे विच भी कन्वर्ट कर सकती हूँ की बन जाएगा अपने को सी एच टू चेन बन जाएगी सी एच टू ये अपने को की बन गया साइक्लोप्रोपेन या फिर सिंपली ट्रेंगल भी शो कर सकते हो ठीक है जिससे मेरे लिए प्रोपीन भी बन जाएगा जो हूँ मैं इतने सिंगल तो दसिया पहला ताकि क्लीयर हो जाए हूँ डबल बोंड किदा रीप्रजेंट करांगे सी एच टू सिंगल बोंड सी एच डबल बोंड है तो डबल बोंड शो करना पड़ेगा सी एच इस तरह नाल की बन गया साइक्लोप्रोपीन बन गया सिमिलरली तुसी साइक्लोप्रोपाइन बना सकते हो ट्रिपल बोंड भी ले सकते हो बस कन्वर्ट किस दे विच करना है तुसी रिंग दे विच कन्वर्ट करना है तो उसनों की कह दें रिंग चेन आइसोमेरिजम कह दें क्लीयर आई होप थानू जो आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम कंप्लीट कर रहे तो आई थिंक थानू समझ भी आ चुकिया होएगा अगर कोई डाउट होया तो कमेंट बॉक्स के विच कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो किद्दा दी लगी जरूर दसने ते वीडियो नू लाइक करना नहीं भूलना शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स दे नाल मैक्सिमम शेयर करया करो टैलीग्राम ग्रुप नू भी ज्वाइन कर लो सो दैट तुहानू अपडेट्स मिलदियां रहन थैंक यू सो मच वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर दियो थैंक यू